सो है गाइज, अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन करो, स्पेशली एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको जितने भी सेक्शंस होते हैं जीके जीएस का या फिर मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, सब में किस टॉपिक्स का वेटेज कितना होता है, यानी हर एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है जो आपका पिछला एग्जाम हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा। इवन दो कि ईजी शिफ्ट में, मॉडरेट शिफ्ट में और हार्ड शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आया, सो दैट कि आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और आप मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाओ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज बहुत कम होता है, जिसको आपको बाद में पढ़ना चाहिए या फिर उसको आपको थोड़ा कम वैल्यू देना चाहिए, ठीक है, मतलब एंड में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। देखो मैथ्स जो है ना वो 30 नंबर के आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन आता है, और जो जीएस, जीके और करंट अफेयर, ये आपको 40 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी बात करेंगे जितने भी आपके जीके में टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपको पता है जीके 40 मार्क्स का आता है और जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं, तो इसमें कौन कौन से सॉफ्ट टॉपिक होते हैं इसका पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। तो देखो मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ईजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट तीनों को कैटेगराइज कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेसिमल और सिंप्लीफिकेशन, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं अगर आप मॉडरेट या फिर हार्ड शिफ्ट की बात करते हो। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। ग्राफ में वो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक चार्ट दे रखा होता है, उससे 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो उनको मैं ग्राफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा का पूरा आप चार्ट देख लो, इसका पीडीएफ भी आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, मैं 1 से 2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, उसके बाद बाकी टॉपिक्स को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे रीजनिंग का, तो रीजनिंग में देखो मैंने हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट को कैटेगराइज नहीं किया है, ओवरऑल मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में वो आते हैं सीरीज से, लेकिन अगर आप एनटीपीसी को छोड़ के बाकी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी मैंने एक चार्ट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने चार्ट बना रखा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, सो दैट कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो यहाँ पे जो रीजनिंग है उसमें सबसे ज़्यादा आपको सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इनको सबसे ज़्यादा आपको करना है, इनके जो पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आता है, उनको सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है इन टॉपिक्स को। उसके बाद बाकी क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, लेकिन जो आपके डे डेट वाले टाइम मतलब कैलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही कम आते हैं, कभी कभी तो नहीं भी आते हैं, मतलब मैक्सिमम चांस में नहीं आते हैं। पहले बहुत आते थे, अब कम आने लगे, तो इनको आपको सबसे आखिरी में पढ़ना है या फिर एग्जाम का डेट वगैरह आ जाए तब इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जीके जीएस करंट अफेयर की, जो कि 40 नंबर के आते हैं भाई, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है करंट अफेयर और योजना वाले क्वेश्चन होते हैं, वो 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर और योजना के, ठीक है। लेकिन आपको किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल बात करो करंट अफेयर और योजना को हटा के, तो जो सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। देखो मेरा जो डेली टारगेट सीरीज़ भी चल रहा है उसमें मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री करा रहा हूँ, और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं रिवाइज मोड में भी लगा रखा हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ईजी शिफ्ट में देखोगे या फिर मॉडरेट शिफ्ट में देखोगे या फिर हार्ड शिफ्ट में भी देखोगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कौन सा टॉपिक वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है ये पता करने के लिए आप मॉक भी दे सकते हो, तो प्रीपैप का यूज़ कर सकते हो आप मॉक्स वगैरह देने के लिए, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर। इवन दो कि अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन करो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो जितने मॉक्स होते हैं वो सब के सब मिल जाएंगे। इवन दो कि प्रीवियस ईयर मॉक फॉर्म में भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 2016 टू 2022 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं एनटीपीसी के, CBT 1, CBT 2, सब के सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसका जो प्राइस है वो 249 है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको SSC, रेलवे सारे के सारे मॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन ऊपर आपको एक कोड दिख रहा होगा, उस कोड को आप कॉपी पेस्ट करोगे अप्लीकेशन में, तो यही जो मॉक है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप डायरेक्ट अप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और ये कोड यूज़ करके आप 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ पा सकते हो। इनको आपको ढंग से पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हो, स्टैटिक से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इंडिया इन्वेंशन एंड अबाउट इंडिया से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप मॉडरेट में देखो 4-4 क्वेश्चन आ रखे हैं भाई एक एक शिफ्ट में। तो ये है पूरा का पूरा जीके जीएस और करंट अफेयर का, इसका भी मैं पीडीएफ दे दूंगा, जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हो या फिर अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जीके जीएस करंट अफेयर के सब टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है,
ठीक है। और इसमें मैं ये एक एक्सेल फॉर्मेट है, तो इसमें मैं कुछ दिन में, जैसे कि 10 या 15 दिन में जो नए नए टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि मैं पेपर को एनालिसिस करूँगा, तो इसमें मैं ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। और ऐड करके आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, या फिर मैं गूगल सीट में भी दे दूंगा, जहाँ पर आपको एक क्लिक पर आपको अपडेटेड चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देखो, मॉडर्न और इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर, योजना और इंडिया, इन्वेंशन एंड अबाउट इंडिया, ये चार टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको कैटेगराइज नहीं करना। इसमें आपको ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा पढ़ूँ। इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है और 2 से 3 बार इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर्स और इंडिया के इन्वेंशन और अबाउट इंडिया, इससे मंगल ग्रह, सॉरी मंगल मिशन वगैरह होते हैं ना, मिशंस वगैरह, इन सब के बारे में आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। उसके बाद स्टैटिक की अगर बात करोगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिख रखा है, लगभग 7 से 8 टॉपिक लिख रखा है। इनको सबसे पहले आपको तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है, जैसे डांस अवार्ड वगैरह, योजना, किताबें कि किस कौन सी किताबें किसने लिखी, स्पोर्ट वगैरह के बारे में कि ये खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये खेल का जो पिच होता है वो कितना लंबा होता है, चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको स्पोर्ट में अच्छे से करना है। आर्ट एंड कल्चर वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे नागालैंड का कोई मान लो त्यौहार पूछ दिया, हॉर्नबिल के बारे में पूछ लिया, इसी तरीके से बाकी जो भी स्टेट होते हैं उनका कल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो स्टेट वाइज भी आपको चीज़ें तैयार करनी है। ये आपको कहाँ मिलेंगी, तो इसके PDF भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही साथ आपको किरण में भी मिल सकता है, या फिर आपको पिनेकल में तो 100% ये मिल जाएगा। बाकी दिवस वाले क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे पहले आप पढ़ लेना स्टैटिक में, बाकी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, मतलब बाकी टॉपिक्स जो होते हैं सब टॉपिक उसको मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। बाकी पॉलिटी में 3 टॉपिक हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करना है, आर्टिकल से, अमेंडमेंट से, उसके बाद अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं यानी कि गवर्नमेंट सरकारी संस्थाएं जो होती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ये 3 टॉपिक। उसके बाद जो मिडिवल हिस्ट्री होता है, देखो मैंने मॉडर्न को बताया सब कुछ पढ़ना है, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको स्टार्टिंग में पढ़ लेना है, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, तुगलक डायनेस्टी और योजना ऑफ किंग्स, जो मैंने आपको बताया सिक्के वगैरह चल रहे होते हैं और अशोक के जो अभिलेख वगैरह होते हैं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद वार्स वगैरह भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, किस टाइम पे कौन सा वार हुआ, या फिर जो साउथ इंडिया में वार हुआ था, या फिर जो वेस्टर्न घाट्स के आसपास में वार हुआ था, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये चीज़ है जो कि मिडिवल हिस्ट्री में अगर आप इसको तैयार कर लोगे, तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% फंसेंगे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी अगर आप इंडिया की बात करोगे, ये इंडियन ज्योग्राफी है, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, इंडियन ज्योग्राफी में आप रिवर अच्छे से पढ़ोगे, नदियों के बारे में, साउथ की नदियों को भी अच्छे से पढ़ लेना, डैम वगैरह पढ़ लेना, सॉयल पढ़ लेना, प्रोडक्शंस पढ़ लेना, कौन से स्टेट में या फिर इंडिया में किस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जैसे गेहूं का जो अनाज वगैरह होते हैं उन सब चीज़ के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में पढ़ लेना। बाकी जो मेटल्स वगैरह भी होते हैं, ओर्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। नाइबरहुड कंट्रीज़ जैसे आपके नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और नीचे साइड में आपका श्रीलंका हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेना। मालदीव वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चंस 100% आते हैं। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लेना, जनगणना कब हुई थी, कितने साल में होती है, और पहली जनगणना किसके द्वारा हुई थी, और उसके बाद फिर जनगणना से कि SC ST जो होती है या वो फिर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में रहती है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अच्छे से पढ़ लेना। माउंटेन्स के बारे में ढंग से पढ़ लेना, जो आपके वेस्टर्न घाट में माउंटेन्स पाए जाते हैं और आपके ये जो ऊपर वाले रेंज है ना, कुमाऊं हिल्स वगैरह, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना माउंटेन्स के बारे में। नाउ केमिस्ट्री के बारे में, मेटल नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल थोड़ा ढंग से देख लेना, एसिड बेस पढ़ लेना, कुछ रूल्स वगैरह होते हैं केमिस्ट्री में उनको पढ़ लेना, केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेना थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके बेसिक बुक में भी दिए होते हैं और PYQ वाले में भी दिए रहेंगे, केमिकल नेम भी देख सकते हो, इन्वेंशंस भी देख सकते हो। जो ये टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक्स आप लोग सोचते हो ना कि मैं किस टीचर से कैसे पढ़ूँ, तो इन टॉपिक को सर्च करके भी आप उन टीचर से पढ़ सकते हो, उसके बाद PYQ वाली जो बुक होती है उससे रिवाइज कर सकते हो। मतलब ये टॉपिक उठाओ, किसी एक अट्ठे चीज़ से डांस पढ़ लो, उसके बाद फिर रिवाइज कर लो, ठीक है, PYQ बुक से। तो ये हो गया है भाई तरीका पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो 5-ईयर प्लान पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं। फार्मूला वगैरह पढ़ लेना भाई, कि हास कैसे निकाला जाता है, लॉस वगैरह कैसा निकाला जाता है, जो GDP वगैरह ये सब कैसा निकाला जाता है, तो ये सब पढ़ लेना। ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लेना, नवरत्न कंपनी वगैरह पढ़ लेना अच्छे से, योजनाएँ पढ़ लेना, जो लेटेस्ट योजनाएँ हैं नीति आयोग वगैरह के बारे में सब अच्छे से पढ़ लेना, ये सब इकोनॉमिक्स में ही आपके आता है। फिजिक्स में देखो ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं कुछ टॉपिक ऐड भी करूँगा, तो वो मैं ऐड करूँगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फिजिक्स में आपको इन्वेंशंस पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट लॉ वगैरह होते हैं वो पढ़ लेना। बायोलॉजी में देखो कुछ कैटेगराइज नहीं कर रखा हूँ, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या कब पूछ दे पता नहीं, लेकिन आप
प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, और वायरसेस वगैरह हो गया, इन सब के बारे में, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इनके बारे में तो अच्छे से पढ़ना होता है, वो मैं अपडेट करूँगा। लेकिन आपको ओवरऑल देखो तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी में। नाउ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का देखो मैं पीडीएफ अवेलेबल करा रखा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जो फालतू के कंटेंट पढ़ाते हैं और आता भाई कुछ नहीं है। तो जनरेशंस पढ़ लेना कंप्यूटर का, जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ लेना, जैसे कि आपका लिनक्स हो गया, ये आपका विंडोज़ हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। शॉर्टकट कीज़ वगैरह पढ़ लेना, शॉर्टकट कीज़ आपके जो एमएस वर्ड या फिर एमएस एक्सेल में यूज़ किया जाता है उसको अच्छे से पढ़ लेना। और थोड़े बहुत और शॉर्टकट कीज़ होते हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो आप पढ़ सकते हो। इंटरनेट के बारे में पढ़ लेना, ईमेल वगैरह के बारे में पढ़ लेना, किसका खोज किसने किया था ये सब थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, किस सन में किया था वो सब भी पढ़ सकते हो, किस ईयर में किया था। बाकी ब्राउजर्स वगैरह में पढ़ लेना, कौन सा पहला ब्राउज़र था, कौन सा लेटेस्ट ब्राउज़र, इस तरीके से आप ब्राउजर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है मेलवेयर, मेलवेयर मतलब वायरसेस के बारे में आप पढ़ लेना कि ये वायरस किस तरीके का वायरस है, या फिर जो होते हैं ना कि इसमें से कौन सा, अगर ये चीज़ होता है कंप्यूटर पर इस तरीके का अटैक होता है तो उसको कौन सा वायरस, उसको कौन सा मालवेयर बोलेंगे। जैसे आपका एडवेयर होता है, मेलवेयर होता है, वायरस होते हैं, ये सब मेलवेयर के प्रकार होते हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। इसको मैंने एक डिस्क्राइब भी कर रखा है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बहुत ही आसान है लेकिन इससे एक दो क्वेश्चन आते ही भाई। बाकी लैंग्वेज वगैरह पढ़ लेना, ठीक है, जावा वगैरह, ओरेकल वगैरह, ये सब आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है भाई, लैंग्वेज डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो बाकी अदर एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है, ओवरऑल चार्ट बना रखा है, सारे शिफ्ट जितने भी शिफ्ट हो रखे हैं सारे शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए उसको मैंने डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर एवरेज मिल गया कि एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं हर एक टॉपिक से। ये मैंने रीजनिंग का, इसी तरीके से मैथमेटिक्स का, और इसी तरीके से जीके जीएस और करंट अफेयर का भी बना रखा है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि आपको मैथमेटिक्स या फिर जीके जीएस करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहा हो तो कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग नहीं किया है तो सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़ो, एसआईसीआई करो, मेंसुरेशन करो, एलसीएम एचसीएफ करो। क्योंकि क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स होता है ना थोड़ा बोरिंग होता है, फिर जीके जीएस भी होता है थोड़ा बोरिंग होता है बहुत से लोगों के लिए। तो क्या होता है कि उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करो, और फिर ऐसा नहीं करो जैसे कुछ लोग होते हैं परसेंटेज पढ़ेंगे फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। तो परसेंटेज के बाद अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले आपको परसेंटेज के बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर देना है। और मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कुछ टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे अगर आपने रेशियो और प्रोपोर्शन नहीं पढ़ रखा है तो आपको ज्योमेट्री पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ज्योमेट्री में जब आप ट्रायंगल पढ़ोगे ना तो ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई ट्रायंगल बना रखा है तो उसमें रेशियो में डिवाइड कर रखा होता है साइड्स वगैरह को या फिर एंगल वगैरह को, तो उससे क्या होता है अगर आपने रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रखा है तो फिर आप ज्योमेट्री आसानी से कर लोगे। इस वजह से इस सीरीज में आप पढ़ना मैथमेटिक्स को, ठीक है, या फिर अगर आपने पढ़ भी रखा है तो पीवाईक्यू अगर आप लगाते हो तो इस सीरीज में लगाना। बाकी करंट अफेयर या फिर जीके जीएस की बात करो तो उसमें भी आप इसी सीरीज में पढ़ना, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, मिडिवल पढ़ना, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना। क्योंकि क्या होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट हुआ है ना, तो लेटेस्ट में हुआ है तो चीज़ों को हम रिलेट कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन अगर एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करोगे तो उतना मजा नहीं आता है, फिर उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है। तो उस वजह से आप इस सीरीज में पढ़ना। यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो कि दो दो टॉपिक को एक साथ पढ़ सकते हो, जैसे मॉडर्न पढ़ा, पॉलिटी एक साथ पढ़ रहे हो, दोनों खत्म हो गया, मिडिवल पढ़ो उसके बाद इन्वायरमेंट एक साथ पढ़ो, तो इस तरीके से दो दो का पेयर बना के, मतलब एक एक पेयर बना के आप पढ़ सकते हो। लेकिन करेंट अफेयर को लेकर लोग अभी से पढ़ रहे हैं भाई, मैं आपको बताऊँ अगर आपका एग्जाम 5 से 6 महीने बाद है जैसे एनटीपीसी वगैरह का, तो करेंट अफेयर को अभी मत पढ़ो, ये मैं बताऊँगा कब पढ़ना, अभी मत पढ़ना, क्योंकि अभी पढ़ोगे तो भूल जाएगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है। बाकी पीवाईक्यू को लेकर बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार मैं पीवाईक्यू के लिए किरण बुक यूज़ करूँ या फिर पिनेकल यूज़ करूँ, तो दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि पीवाईक्यू जो टीसीएस वाली होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट वाली होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहा हो। सेक्शनल मॉक्स जो हैं, क्योंकि यार देखो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन देते हैं ये लोग, उसका सोल्यूशन देते हैं, तो पीवाईक्यू यार कहीं से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शनल मॉक्स जो होता है ना ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच बीच में अपने टाइम पास के लिए दे सकते हो, इसमें टाइम पास भी हो जाएगा, मूड भी फ्रेश हो जाता है, और अच्छा खासा आपको नॉलेज मिल जाता है, और टाइम बाउंड भी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी फुल मार्क्स वगैरह देते रहो, या फिर देखो बहुत से लोग हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है उसके बाद भी मार्क्स वगैरह नहीं आते, तो वो चीज़ों को रिवर्स मोड में कर सकते हैं। रिवर्स मोड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन करोगे तो जो क्वेश्चन आपका फंसता है उसको नोट करो, और नोट करने के बाद वो टॉपिक, जैसे आपने नोट कर लिया, नोट करने के बाद आपका रेशियो प्रोपोर्शन या फिर जीके जीएस की बात करोगे तो उसमें आपको मान लो बायोलॉजी क्वेश्चन फंस रहे हैं तो इनको फिर पढ़ो,
ऐसे ही करो, रिवर्स मोड में पढ़ो, सबसे पहले पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करने के बाद उस टॉपिक को पढ़ो, फिर पीवाईक्यू करो, फिर उस टॉपिक को पढ़ो, ऐसे करके धीरे धीरे आपके हर एक टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो आई थिंक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपने अभी तक कोई मॉक नहीं परचेस कर रखा है तो मैंने आपको बता दिया कि प्रीप ऐप को आप बाई कर सकते हो, आपको एक कोड दिख रहा होगा, उस कोड को यूज़ करके आप एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ का ऑफ पा सकते हो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप सर्च भी कर सकते हो SSC रेलवे PDFs, ये आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पर चैनल पर जाके जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे PDFs मिल जाएंगे, और वहाँ पे एक ग्रुप भी हमने ऐड कर रखा है, उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो कन्फ्यूजन्स वगैरह के लिए, फिर डाउट्स वगैरह के लिए।